हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राहुल, आपका दोस्त। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले पत्ता गोभी की वैरायटी के बारे में। जैसे कि आप वीडियो में देख रही हैं, सेमिनस की इंदू वैरायटी लगा रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हम वैरायटी की। तो ये आप वीडियो में देख रहे हैं सेमिनस वैरायटी की हिंदू, जो कि सेमिनस सीड की हिंदू वैरायटी है। गोभी दो प्रकार की होती है, एक होती है गोल आकार की और एक होती है नारियल आकार की। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, नारियल आकार की होती है। नारियल आकार का जो रेट है मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें, तो जो गोल आकार की होती है उससे 2 या 3 रुपये हमें इसका नारियल आकार का ज़्यादा देखने को मिलता है। वेराइटियाँ 90 दिन की भी होती है और वेराइटियाँ 70 दिन की भी होती है। जैसे कि ये सेमिनस की इंदू वेराइटी है, ये 70 दिन पर हार्वेस्टिंग में आती है और 80-85 में जाके इसका पूर्ण हार्वेस्टिंग समाप्त हो जाता है। तो ये बात हुई हमारी वैरायटी के बारे में। अब बात करते हैं खेत तैयार करने की। तो सबसे पहले खेत को बखरा गया, फिर अच्छे से रोटावेटर किया गया। जैसे कि हमारे पास गोबर खाद नहीं अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसको किसी प्रकार का खाद नहीं दिया गया, जिसके बाद में इसमें बेड बनाए गए प्लांटर की सहायता से। फिर बेड बनाने के बाद फिर इसके अंदर पानी दिया गया। पानी देने के बाद में इसके अंदर पानी की दो व्यवस्था बनाई रखी है, एक तो इसके अंदर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और नाली सिंचाई द्वारा भी पानी की व्यवस्था है। अच्छे से पानी देने के बाद में फिर पौधे की रोपाई की गई। तो ये बात हुई खेत की। अब नर्सरी की बात करें, तो इसकी नर्सरी कोकोपीट से तैयार नहीं की गई है, इसकी नर्सरी ज़मीन पर तैयार की गई थी। अब बात करें 1 बीघा में कितने पौधे लगे हुए हैं, तो 1 बीघा में इसके अंदर 7 से 7.5 हज़ार के लगभग इसके अंदर पौधे लगे हुए हैं। अब बात करें पौधे से पौधे की दूरी, तो पौधे से पौधे की जो दूरी है इसमें 1 फीट है, तथा 1 बेड के ऊपर 2 पौधे लगाए गए हैं और बेड से बेड की दूरी भी 1 फीट है। अगर आपको फूल, जो गोभी का फूल है, अगर उसकी साइज आपको बड़ी चाहिए तो आप पौधे से पौधे की दूरी बढ़ाइए। अगर आपको साइज छोटी चाहिए, जैसे आपका मार्केट में अगर छोटे साइज का फूल अगर आपको मिलता ज़्यादा अच्छे रेट में बिकता है, तो आप पौधे की दूरी कम कर लीजिए। तो ये बात हुई पौधे की। अब सिंचाई व्यवस्था में इसमें अंदर स्प्रिंकलर भी लगा रखे हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर स्प्रिंकलर के द्वारा ही पानी दिया जा सके। हमें यही ध्यान रखना है कि प्रति पौधे में पानी बराबर जाए, क्योंकि यह 1 जून को बुआई की गई थी, पानी बरसात का पानी 15 जून को आया था, इसीलिए इसके अंदर स्प्रिंकलर भी लगाए हुए हैं। ये बात हुई सिंचाई व्यवस्था की। अब बात करते हैं इसका उत्पादन की। तो इसका उत्पादन प्रति बीघा कितना होता है, तो इसका उत्पादन 70 से 80 कुंटल प्रति बीघा पिछले साल उत्पादन इसका देखा गया था। मार्केट रेट की बात करें तो अभी 20 से 25 रुपये इसका मार्केट रेट चल रहा है अभी वर्तमान में। अब बात करते हैं इसके उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो जब शुरू में पौधा जब 10 रोज का था, जब हमने इसको 1 जून की बुआई की थी, तो 10 से 12 जून में हमने इसको खाद दिया था। 1 बीघा में 1 बैग DAP, 25 किलो पोटास और 10 किलो सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रांस। फिर दूसरे दिन जब गोभी 1 माह की हुई, जब फिर एक बार फिर से इसको खाद दिया गया, उसके अंदर 1 बैग वापस वही DAP, 25 किलो पोटास और 10 किलो सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रान और यूरिया को 1 बार दिया गया, 1 बैग प्रति बीघा यूरिया भी दिया गया। तो ये हुई इसकी फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की बात। अब इसके आगे हम अगला फर्टिलाइज़र नैनो कैल्शियम प्लस बोरान का ऊपर से स्प्रे करवाएंगे स्प्रे पंप से। कैल्शियम के कारण जो फल बनेगा वो मजबूत बनेगा और ठोस बनेगा अंदर से, और बोरान के कारण हमारा फल फटेगा नहीं और चमकदार बनेगा। इसके अंदर 2 प्रमुख मेजर रोग होते हैं, इल्ली और फंगस का मिलती है। ये 2 सबसे मेजर समस्या होती है इसके अंदर। इसके लिए हमने 4 स्प्रे अभी तक इसमें हो चुके हैं। जो सबसे पहला हमने इमिडा क्लोरोपीट 17.8% वाली 20 लीटर पानी में 20 ml, साथ में कोराजन प्लस बायोविटा, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हमने बायोविटा भी लिया था। कोराजन 20 ml 20 लीटर पानी में 15 ml, वहीं बायोविटा 20 लीटर पानी में 40 ml।
सेकंड स्प्रे हुआ था अलीका का, 20 लीटर पानी में 15 ml, प्लस में हमने नीम ऑयल दिया था 1000 ppm वाला, 20 लीटर पानी में 20 ml। फिर इसके बाद तीसरा स्प्रे, जब ये गोभी 35 रोज़ की हुई थी, जब इसमें एक स्प्रे हुआ था प्रोफोनोसाइपर, 20 लीटर पानी में 20 ml, वहीं एमामेक्टिन बेंजोएट इसके साथ में क्रॉस की गई थी, 20 लीटर पानी में 15 ग्राम। जिसके बाद अभी 42 रोज में इसका एक स्प्रे और निकाला गया वायगो का, 20 लीटर पानी में 10 ml, उसके साथ में मेवेंटो एनर्जी 20 लीटर पानी में 20 ml। यह जो कीटनाशक का स्प्रे है नोक टू नोक किया गया, वहीं फंगिसाइड का जो स्प्रे है वो फाइटर पंप, जो फाइटर होता है, उसकी सहायता से पूरी गोभी में एक साथ किया गया। तो फंगिसाइड में हमने पहला फंगिसाइड हमने मेटालेक्सिल प्लस मेनकोजेब दिया 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, दूसरा हमने एलियट 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, और तीसरा हमने कासू भी दिया, और चौथा हमने नेटिवो बायर का 50 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से इसके अंदर स्प्रे हुआ है। बरसात के दिनों में हमेशा यही समस्या आती है कि हमारा तना गलन की समस्या देखने को मिलती है, तना गल जाता है, सड़न लग जाती है, जिससे हमारी गोभी को काफ़ी नुकसान होता है। एक मेजर समस्या यही होती है, और सबसे ज़्यादा जो इल्ली या सुंडी होती है जो उसके गोभी के जो नोक होता है उसको नोक को खा लेती है, जिससे बरसात का जो पानी इसके अंदर जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर से सड़न हमें देखने को मिलती है। तो बात करते हैं इसके खर्चे की, तो 4000 हमारा खाद में, 2700 बीज, 500 रुपये नर्सरी का जो रख रखाव का खर्च, 1500 रुपये में प्लांटेशन हुआ जो पौधे खेत में लगाए गए वो, और 2000 रुपये में हमारा खेत तैयारी के, और 10000 की दवाइयाँ, और 1000 की निंदाई, और 10000 अभी हमारे हार्वेस्टिंग में लगने वाले हैं। हार्वेस्टिंग के समय हमें जो मंडी के ले जाने में खर्च और बारदान का खर्च है वो हमें 10000 रुपये प्रति बीघा के आसपास लगेगा। तो कुल टोटल मिलाकर हमारा खर्च बैठता है 31700, यानी हम पकड़ सकते हैं 32 से 33000 रुपये हमारा खर्च आएगा। चलिए, ये बात हुई टोटल इसकी गोभी के बारे में, बरसाती गोभी के बारे में। सबसे ज़्यादा इसमें मेजर समस्या बस यही है कि इसमें अगर इल्ली का अटैक होता है तो आप देखते रहिए, अगर आपने ज़्यादा कीटनाशक उपयोग कर लिए हैं तो अगर कोई सी दवाई आप असर नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में आप गोभी को न्यूटन कीजिए, आप ग्लूकोज का स्प्रे कीजिए इसके ऊपर, फिर इसको जीरो बनाइए वापस से, पौधे में जितना भी हमने केमिकल डाला है उसका असर जीरो कीजिए, फिर वापस से आप ग्लूकोज स्प्रे करने के एक दिन बाद आप स्प्रे कीजिए, तो आपको इल्ली या सुंडी पे कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और फंगस के लिए आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि फंगस लगातार बारिश होगी जिसके बाद अचानक से धूप निकलेगी तो आपके पौधे एकदम से मुरझा जाएंगे और तना सड़ के गिर जाएंगे, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखिए तना गलन का। तो चलिए, ये थी संबंधित कुछ जानकारियाँ मेरे साथ, बने रहिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।